ये आज इतनी चहल पहल कैसी है बेली में? तुझे नहीं पता चला अभी तक? छोटी बीबी का रिश्ता लिए मुल्तान से लोग आ रहे, बहुत ही बड़े जागीरदारों का रिश्ता आ रहे। अच्छा सुनो, तुम अभी यही रुको, मैं सबको काम समझा के आऊं। जाना नहीं। अरे तैयार नहीं हुई मेरी माही रानी, वो लोग आने वाले होंगे। मुझसे नहीं हुआ जा रहा तैयार अम्मी जी। अम्मी जी आपको नहीं लगता ये सब ज्यादा जल्दी हो रहा है? हर लड़की को ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी उसने अपने आंगन में दो ही पल गुजारे थे कि उसकी डोली उठाने वाले आप पहुंचे। पर यही सच है, देर या सवेर रुखसत तो होना होता है ना मेरी धीरानी। हाँ लेकिन अम्मी मुझे उन लोगों पर हैरत हो रही है, बिना मुझे समझे बिना मुझे जाने इतनी जल्दी रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ऐसा कौन करता है आजकल भला? आप परेशान नहीं हुई है, इसे मैं अपने हाथों से खुद तैयार करूंगी। लड़के की माँ को सकता ना हुआ ना हमारी माही को देख के, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं जानती हूँ हमारी माही है ही इतनी प्यारी, बड़े खुश नसीब होंगे जो इसे अपने घर की रानी बनाएंगे। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो, देर ना करना। हाँ क्या हो रहा है ये सब? भाभी आपको नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है? ये रिश्ता, ये लड़का, अम्मी जी। देख लें शाह जी जरा इस लड़की को, अभी तक तैयार नहीं हुई और मेहमान पहुंचने वाले हैं। हो जाएगी तैयार, तुम फिक्र नहीं करो। पहली दफा आ रहे हैं हमारे यहाँ, तुम मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी करो, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, हर चीज उनके शाया निशान होगी। एक तो लड़के वाले, फिर हमारी बेटी की होने वाली ससुराल, उन्हें हमारे दरवाजे बड़े और दिल खुले ही मिलेंगे। हाँ मुझे यही उम्मीद है। नाजिम शाह को भी इत्तला कर दो, वक्त से पहले मौजूद रहे। जी जी। अरे वाह माशाल्लाह, चश्मे पतूर, आज तो वाकई क्यामत ढा रही हो। मेरी तरफ से तो 100% गारंटी, आज तो वो लोग हाँ करके ही जाएंगे। भाभी प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप तो मजाक ना करें। अब परेशान होने से क्या फायदा भला, मैंने तो पहले ही तुम्हें छेड़छाड़ करने से मना किया था। खैर जो होना था सो हो गया, मगर माही आज बात पक्की हो जाने के बाद तुम्हें अपना हर कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा। तुम्हारी जरा सी गफलत की वजह से कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो माही। यहाँ बात सात पर्दों में रहे तब भी दीवारों के कान सुन लेते हैं। छोटी सरकार, वो मुल्तान वाले प्रौने ना आ गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम नीचे जाओ। अच्छा जी। आ,
भाई हमें तो सियासत की चालें नहीं आती। ये तो नाजिम शाह का हौसला और शौक है कि मुल्क की सियासत की तरफ इनका रुझान है। आजकल तो ये ओखली में सर देने के बराबर है। और आप देख लें, आजकल हर ऐरा गैरा टेलीविजन पे आ जाता है और मुजाकरे के नाम पर शुरफा की पगड़ियां उछालनी शुरू कर देते हैं। सही कह रहे हैं शाह साहब। वैसे मैंने ये भी सुना है कि जिनको एक बार सियासत की लत पड़ जाए उनके मुंह से फिर ये काफिर छुटती नहीं है। क्यों नाजिम साहब? बाबा सही सिकंदर भाव, पता नहीं आप लोगों ने सियासत को क्यों इतना हवा बना दिया है। बाकी शोबों की तरह यह भी एक शोभा है, जैसे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंसदान बनते हैं, वैसे ही चंद सियासतदान इसी मुआशरे इसी दुनिया के लोग होते हैं। नहीं हाँ, लेकिन ये चंद लोग हमारी सोसाइटी में काफ़ी ख़ास कंसिडर किए जाते हैं। चलो इन सियासत की बातों को छोड़ो, ये बताओ कि आजकल तुम्हारा क्या शोर है? बस शाह साहब, जमींदार का क्या मुश्किल हो सकता है? वही जमीन, जमींदारी, जागीर के चक्रे, कोर्ट कचहरी, बस। बीबी सर, हुन ते मैं तद हो जासा जब मेरे ते मूर पुत्र की मंग पूरी हो जासी। बहू आस बहू उम्मीद लेकर आई हूँ मैं तो सकोल। आपका अपना घर है जागीरदारनी जी, जम जम आए, सौ बारी आए। वो माही थी को तो बुलाए ना, अब होर सब नहीं होता मेरे को। जी जी फकीरा। जा माही रानी को लेके। आपकी बड़ी बहू का सुन के बहुत अफसोस हुआ। बच्चे कहाँ रहते हैं जी अपनी माँ के बगैर? बस जी जो अल्लाह साई की मर्जी। मैंने तो कई बारे सिकंदरपुर से कहा कि अपना घर फिर बसा ले, पर वो तो मानो जैसे दिल ही टूट गया उसका राफिया के बाद। जमीनों के चक्कर, जागीर के मसले ऐसा उलझाए अपने आप को कि किसी और वल ध्यान देने का वेला ही नहीं है उसके पास। अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। सिकंदर भाई, बड़ा नाम सुना है आपकी जागीर और जागीरदारी का। बाबा सही सो कोस तक इन्होंने अपनी जागीर का कोई मुखालिफ छोड़ा नहीं है। हाँ, कहते हैं कि जागीरदारी भी सरदारी और नवाबी की तरह होती है, बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। हाँ तो तैमूर क्या कर रहा है आजकल? तैमूर शाह साहब, वो तो इन मामलों से बिल्कुल बेजार है। कहता है कि मैं बिल्कुल मिसफिट हूँ, बल्कि मुझे तो शक है कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकेगा नहीं। शायद इसीलिए माँ जी ने उसके पैरों पर बेड़ियाँ डालने का फैसला कर लिया है। वैसे सुना है हमने कि वलायत की पढ़ाई और वलायत का पानी जो है ये दोनों अपना रंग देर से छोड़ते हैं। खैर धीरे धीरे ये हमारी मिट्टी के रंग में रंगा जाएगा, देख लेना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सुनाए, शिकार विकार चल रहा है कि नहीं? इस बार भी ट्रॉफी घर आ रही है कि नहीं? भाई हमें भी लेके चलेंगे इसी दिन इंशाल्लाह, कोशिश पूरी जा रही है। इतनी सोनी है बीबी साहब, ये चांद का टुकड़ा थोड़ी है, ये तो पूरा चौदहवीं का चांद छुपा के रखा अपने आंगन में है। अच्छा मेरी थी माशाल्लाह, गुड्डी लगती है पूरी है। क्या जरूरत थी बीबी साईं? लोड क्यों नहीं, हमारे यहां इसी तरह से पहनाते हैं दियों को। बस अब तो एक गलत तय हो गई कि माही
आज से मेरी ती है, है? माँ सद के जाए, मेरी ती को कोई इतराज तो नहीं? छी, मैं बस बीबी सैन, अब तुसा भी आके ना मेरे तैमूर को एक दफा मिल लो। वैसे तो मैं तस्वीर छोड़ जाऊंगी, माशाल्लाह चंद सूरज की जोड़ी होगी दोनों की। ये तो सब मुकद्दर के खेल है, रिश्ते तो वैसे भी आसमानों पे बनते हैं। अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह। तो बीबी सैन, मुंह तो मीठा कराओ ना मेरा। जी जी मैं करता पसंद आया मेरी थी को है? नहीं सुन रही है। पहले मैं अपनी थी का मुंह ढक रहा हूँ, ये मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे दो बातें क्या कर ली? तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना, राहत मिले अब हमको दिल के देखने में। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में मन झूम झूम तन झूम झूम।